दूजा थसलू ने किया, तीन दी छेत 15। हुण हे प्रभु असीं अपने प्रभु यीशु मसीह दे नाम उत्ते तुहानू हुक्म दिंदे हां कि तुसीं हर एक भरा तो जेड़ा उस रवायत दे अनुसार नहीं जो तुसा साथो पाई सगो कसूता चलदा है न्यारे रहो। तुसी आप ता जानदे हो कि तुहानू किस तरह साडी रीस करनी चाहिदी है, क्यों जो असी तुहाडे विच कसूते ना चले ना किसे कोलो मुफ्त रोटी खादी सगो मेहनत पहोरिया नाल रात दिन कम धंधा करदे सां कि तुहाडे विचो किसे उत्ते भार ना होइए, ना इस करके जो सानू इख्तियार नहीं सी पर इस लई जो असी अपने आप नू तुहाडे लई नमूना कर विखाइए कि तुसी साडी रीस करो। सारे बला ले लिया इत्थे परमेश्वर दा वचन की दस रहा है कि असी किद्दां परमेश्वर दे च अगे जाना है कि इंसान जदों सोच उच्ची रखेगा कि असी प्रभु दे लई कुछ बनना है कुछ करना है मेहनत करनी है मेहनत करने वाला ही सफल होया है। समझ लग रही है इंसान कौन सफल होया है जिन्हें मेहनत की है मेहनत का ही फल है जरा मेहनत करे दा फल दा हकदार ओही है। ऐदा नहीं मेहनत मैं करा फल तुसीं लै जाओ नहीं हर एक इंसान नूं प्रभु दे विच मेहनत करनी है जिद्दां दे कोई मेहनत करे दा उद्दां दा फल लेगा जिद थोड़ी प्रार्थना करे दा उह थोड़ा फल लेगा जो ज्यादा प्रार्थना करे दा पूरी रात प्रभु दे अगे गिड़गिड़ावे दा रोवे करलावे दा ते परमेश्वर ने उहदी सुननी समझ लग रही है। ते जिहड़ा 5 मिंट प्रार्थना करांदे वी 5 मिंट वाला ओनी मेहनत दा फल उहदा ही मिलदा है समझ लग रही है। पूरा दिन घर दे विच काम करदे आ जे असीं आ काम करना है ते प्रभु लई वी असीं सोचणा है कि असीं आ काम करना है सोच उच्ची रखनी है जिहड़ा मेहनत की लिखा है साडी रीस करो मतलब कि जो परमेश्वर दे दास ने मेहनत करदे ने एदां ही कि प्रभु दे विच मेहनत करनी है। हांजी अगे क्योंकि जद असीं तुहाडे कोल सां तद वी तुहानू इह हुक्म दित्ता सी कि जे कोई काम धंधा कर लो नक वटदा है ता रोटी भी ना खावे, क्यों जो असी सुनदे हां कि कई कु तुहाडे विचो कसूते चलदे अते कुछ काम धंधा नहीं करदे सगो पराए काम विच लत अड़ाउंदे हन। हुण असी प्रभु यीशु मसीह विच एहो जिहा नूं हुक्म दिंदे अते तगीत करदे हां जो ओ चुप चाप काम धंधा करके अपनी रोटी खाया करन, पर तुसी प्रभु भलाई करदिया हौसला ना हारो अते जे कोई इस पत्री विच लिखे होए साडे वचन नूं ना मन्ने ता ओंदा ध्यान रखना जो ओ ओंदी संगत ना करो कि ओ लज्जावान होवे ता वी ओ ओनू वैरी करके ना जानो सगो प्रा करके समझाओ। सारे बोला ले लिया इत्थे की लिखा है परमेश्वर दे वचन विच कि जो इंसान मेहनत नहीं करता ओ रोटी दा हकदार भी नहीं है लिखा कि नहीं लिखा है। जे मेहनत नहीं करदे आ ते ओ इंसान रोटी प्रभु दा वचन की दस रहा है ओ रोटी दा हकदार नहीं गा। जे घर दे विच मेहनत नहीं करदे आ ते फिर प्रभु दे विच मेहनत नहीं करदा ते फल दा हकदार किद्दां होएगा। फल दा हकदार ओही होएगा जिहड़ा मेहनत करेगा ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਲਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਉਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। और वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 5 ਵਾਲੇ ਨੇ 10 ਵਧਾਏ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਕਮਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁਖੀ ਪਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ
दूजा इंसान तड़प रहा है, बहुत सारे हालातों में प्रॉब्लम है, उन्हें प्रार्थना कर, घर बैठ के उन्हें प्रार्थना कर, उन्हें घर जाके फोन से प्रार्थना कराओ ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। यही मेहनत होर कई नहीं मारनी, समझ लग रही है? यीशु मसीह हजूरी रच की मेहनत है ताकि दूजा का भला करना, मतलब की लिखा है भलियाई करदा, भले कमां विच लगे रहना, पर तुसी भरावा भलियाई करदा हौसला ना हारो। लिखा कि नहीं हौसला नहीं हारना, भलियाई करदा भले कमां विच लगा रहना, समझ लग रही है? और बहुत सारे अज तो पहला की गल करिए, बहुत सारे सेवादार सेवा करके चले गए ने। की होता है जब इंसान मेहनत नहीं करता दूजे ना कुड़कड़ाना कुड़कड़ाना, ऐसा परमेश्वर नहीं बनाता। मेहनत करो, परमेश्वर पिछों चक के अगे लैके जाएगा, समझ लग रही है? जलना नहीं, लिखे उस व्यक्ति की संगत ना करो जेड़ा इंसान मेहनत नहीं करता, ढिला चलता है। इंसान परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है, लोग संभाल नहीं पाते, लोग गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। जब परमेश्वर का सामर्थ्य जाती है, परमेश्वर का नाम जाता है, इस्तेमाल गलत हो जाता है। बहुत सारे कई कहने असं यस्सू नूं मनदे आ, तैनूं वेख लो तां साडा यस्सू सारे बला ले लिया, ओ यस्सू वेखण वास्ते गए, ओ तां चंगा करन वास्ते बई बीमारां नूं, ओ वेखण वास्ते नहीं गा, ओ तां बई किसे नाल धक्का हो रहा है, तां परमेश्वर ओहदी साइड लै जांदा है। और एदां नहीं तैनूं वेखणा ना यस्सू नूं मनदे आ, कल वेखेगा तू दस वे, कल तक तेन दिखा दे यीशु दे बंदे आ, नहीं असि प्रभु दे बंदे आ, यीशु मसीह दे बंदे हमेशा नीवे रहिंदे ने।